नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। टिहरी विधानसभा क्षेत्र के अपक्ष उम्मीदवार और भाजपा के पूर्व नगर सेवक मुरजी पटेल के शक्ति प्रदर्शन में एक अनोखा जन सैलाब लोगों का देखने को मिला। जी हां, आपको बता दें कि लगभग 2 किलोमीटर तक की दूरी में जिधर तक नजर जाती थी सिर्फ मुरजी पटेल के समर्थक नजर आते थे और सबका एक ही नारा था, अंधेरी का आमदार मुरजी पटेल। इस जन सैलाब को देखते हुए मुरजी पटेल ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में। एक अंधेरी कर की आवाज आहे आणि अंधेरीची जनतांनी मला एबी फॉर्म दिलेला आहे आणि म्हणून मी एबी फॉर्म घेऊन आज अर्ज भरायला चाललो। ज्या पद्धतीने खरं तर तुमची एक मागणी होती की अंधेरीचा मतदारसंघ हा भाजपसाठी सोडण्यात यावा, हे कुठेतरी झालेलं नाही आणि त्याचीच नाराजगी आहे काही? नाराजगीचा अजिबात प्रश्न नाही। लोकांची एक इच्छा आहे की हा अंधेरीमध्ये निवडणूक आम्हाला लढावी आणि लोकांनी मला आग्रह केला म्हणून मी रिंगणात होतो। सबको ये वार्ड छोड़ने के लिए कहा गया था मगर वो छोड़ा नहीं गया, इसके लिए ये नाराजगी है क्या? पार्टी विशेष में मुझे जाना नहीं है, अंधेरी की जनता ने मुझे एबी फॉर्म दिया है और वो एबी फॉर्म लेके मैं आज अपना अर्ज भरने जा रहा हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे आपके और किस तरीके से चुनाव लड़ने जाएंगे आप? अंधेरी में 3 विषय है, एक तो हेल्थ का विषय है, गरीबों के लिए एक अच्छी फ्री में हॉस्पिटल होनी चाहिए, मेरा पहला प्राधान्य। हर घर में पानी का नल होना चाहिए, हर गली में लाइट होनी चाहिए, अंधेरी की पूरी अंधेरी में सीसीटीवी कैमरे से अंधेरी कैद होना चाहिए और ट्रैफिक की समस्या सबसे बड़ी है। ऐसे 4-5 विषय है, अच्छी स्कूल जहां गरीब बच्चे जाके पढ़ सके, 5 मुद्दे लेके हम चुनाव के मैदान में उतरे।